रविवार को यानी कि 18 फरवरी को देश से प्याज पर लगा बैन सरकार ने हटा लिया और ठीक उसके अगले दिन जो कि मार्केट टाइम्स टीवी ने यह आशंका जताई थी और ये निश्चित तौर के ऊपर आपको बताया था कि प्याज पर लगा हुआ जो बैन है एक्सपोर्ट बैन उसके हटते ही प्याज की कीमतों के अंदर में तेजी देखने को मिलेगी और आज थोक बाजार के अंदर में थोक मंडियों के अंदर में प्याज की कीमतों में 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा देखने को मिला है। हमारे संवाददाता ने मंदसौर मंडी के कारोबारी से बातचीत की, दीपक शर्मा को यह पता चला कि अच्छी खासी तेजी प्याज की कीमतों के अंदर आई है और अभी यह तेजी और बढ़ सकती है। हालांकि कारोबारी ने जो अंदेशा जताया कि प्याज की कीमतें कहां छू सकती हैं, यह और चौंकाने वाला एक आंकड़ा सामने निकल करके आया। आप खुद ही सुनिए उस कारोबारी ने क्या कहा कि कितनी तेजी प्याज की कीमतों के अंदर जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए प्याज के कारोबारियों को, किसानों को जो न्यूनतम भाव देखने को मिले थे, अब वो भाव कहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे, संवाददाता की कारोबारी से ये खास बातचीत। और प्याज का भी एक्सपोर्ट हो गया है आज, प्याज में भी 10 रुपए किलो जंप है। अच्छा, प्याज का भी मेरा काम है और प्याज में भी जंप है। जो माल मैंने 13 रुपए लेता, 2480 रुपए प्याज भी खाए। अच्छा, तो आज क्या आवक हुई होगी प्याज की? आज प्याज की आमदनी 100-150 कट्टा और आमदनी थी। अच्छा। प्याज अभी नहीं आ रहा हमारे यहाँ और अभी अप्रैल महीने में आएगा प्याज। बाकी इस साल प्याज का भविष्य में अभी से आपको बताता हूँ, कम से कम 100-80 रुपए प्याज जाएगा, क्योंकि उसका कारण है कि प्याज की फसल बोना बंद कर दी किसानों ने। क्यों बंद कर दी? कि लोगों ने रोड पे डालना, भाव नहीं आता है। जिस चीज का भाव आएगा उस चीज में हाथ डालेगा किसान। एक्सपोर्ट भी जो है आज से खोल दिया, एक्सपोर्ट तो इससे उछाल आया है, इस कारण ही आया। नॉर्मल प्याज की क्या रेट है? नॉर्मल 8 रुपया। आज क्या रेट गया है? आज 8 रुपए से 24 रुपए का, और सब प्याज मेरी हुआ है। अच्छा,